अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को, तमाम नौजवानों को, तमाम मेरे प्यारे मजदूर भाइयों को, तमाम ख़वातीन हज़रात को आज जुमातुल मुबारक और मेरा सलाम। आज जुमातुल मुबारक है, बहुत बड़ा दिन है हमारे मुसलमानों के लिए और हमें इस दिन का एहतराम और जुमातुल मुबारक अदा करना चाहिए। तमाम दोस्तों को और तमाम बच्चों को हमारे पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं, इसका एहतराम करना चाहिए। आज का हम थोड़ा सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं कुछ हमारे पाकिस्तान के हालात के मुताबिक। क्यों हमारे पाकिस्तान में ऐसा किया जा रहा है 75-76 साल में? कोई ऐसा दिन अच्छा नहीं गुज़रा हमारे पाकिस्तान में। जो दिन आगे वाला दिन होता है वह हमारी नौजवानों के लिए, मेरे मजदूर भाइयों के लिए, मेरे किसान भाइयों के लिए, तमाम और ख़वातीन के लिए वो भारा होता है, वो अच्छा दिन नहीं होता। एक से एक दिन आगे बहुत भारत से भारा होता है। तो क्यों होते हैं ये हमारे, क्यों, क्या किस पॉलिसी की वजह से हमारे मुल्क के, हमारे मैशत, हमारे मुल्क का निज़ाम क्यों ख़राब होता जा रहा है? ये कौन लोग हैं हमारे मुल्क में ये निज़ाम ख़राब करने वाले लोग? ये 75-76 साल से ऐसा किया जा रहा है, एक तमाशा है हमारे मुल्क में बना हुआ है। हमारे मुल्क को आज़ाद करने में तो बहुत कुर्बानियाँ दी गई थी और लोगों ने बहुत, वो बुज़ुर्गों ने, वो मेरे शहीदों शहीद हुए थे, वो बीबियाँ, उनके साथ क्या क्या हुआ था पाकिस्तान को जब आज़ाद करने में, कितने बहुत मेहनतें हुई थी, बहुत कुर्बानियां दी गई थी। आज हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे करप्ट सिस्टम में ये सारा निज़ाम क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये कौन सा माफिया है या कौन से ये मेरे मुल्क के दुश्मन है? वो हमारे जो असली दुश्मन थे वो तो कुछ ना कर सके 75-76 साल में। पूरी दुनिया पाकिस्तान को लगी हुई थी तोड़ने में, वो तो कुछ ना कर सके। हमारे ही अपनों ने ही सब कुछ किया, हमारे अपनों लोगों ने, हमारे अपने देश के लोगों ने, हमारे अपने मुल्क के लोगों ने, हमारे उस मिट्टी के पैदा हुए लोगों ने हमारे पाकिस्तान को तबाह किया और कर रहे हैं। अब नौजवान बिल्कुल शोर में आ चुके हैं। ये करप्ट सिस्टम, ये करप्ट माफिया जितना कुछ अपना मर्जी कर ले, जो कुछ कर ले, लेकिन हमारे इस वक्त बहुत शऊर आ चुका है और आता जा रहा है। हमारे लोग समझ चुके हैं और समझते जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर आते हैं हुक्मरानी करने के लिए, फिर ये चले जाते हैं जहाँ इनके घर हैं, असल जो इनके घर इनके हैं वहाँ भी ये चले जाते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में महंगाई देख लें कहाँ की कहाँ चली गई है। इन हुक्मरानों को क्या मालूम मेरे मजदूरों के साथ क्या हो रहा है? इन हुक्मरानों को क्या मालूम हमारे किसानों से क्या हो रहा है? इन हुक्मरानों को क्या मालूम हमारे नौजवानों के साथ क्या हो रहा है? इन हुक्मरानों को क्या मालूम हमारे को इंसाफ लेने वाले हैं, हमारे वो भाई, उनके साथ क्या हो रहा है अदालतों में? उनके बाप भी अदालतों के चक्कर लगा कर वो इस दुनिया से चले गए, अब बेटे हैं, यानी कि ख़ानदान इसमें, ये ऐसा करप्ट सिस्टम है हमारे मुल्क में, ख़ानदान लगे रहते हैं, दो दो ख़ानदान, तीन तीन तक ख़ानदान गुजर जाते हैं तो उसके पास शायद इंसाफ की कोई नवीद होती है ना, इंसाफ मिलने का कुछ चांस मिलते हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा ऐसा निज़ाम पे हम यकीन रखते हैं, यकीन है लोग रख रहे हैं? ये तो एक बहुत गलत निज़ाम है, ये करप्ट सिस्टम है, ये करप्ट निज़ाम है। ऐसे मुल्कों में जो तरक्की जिन मुल्कों ने किया है, वो तरक्की कर रहे हैं, ऐसा उन मुल्कों में नहीं है। वहाँ मुझे कोई आदमी बता दे वहाँ कोई आवाम की लाइन लगी हुई हो,
वहाँ कोई चीज़ का मसला हो, कहाँ को उस मुल्क में कोई चीज़ का कोई प्रॉब्लम हो, इधर तो हर चीज़ में प्रॉब्लम है, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। जहाँ जिस चीज़ को ख़रीदने जाते हैं उस चीज़ में ही प्रॉब्लम है, उस चीज़ में वो करप्शन पे भरी पड़ी। एक सियासतदान करप्ट नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी आवाम तक भी ये करप्ट सिस्टम हो चुका है। एज ए कौम हम क्या करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया की आंखें हमारे पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है। ये 75-76 साल हो चुके हैं, अब तो मैं उन बड़े लोगों को अपील करता हूँ, सब कुछ आपके हाथ में, आप सब कुछ कर सकते हो। आप करप्ट लोगों को गिरवानों से पकड़ सकते हो। हमारे मुल्क में 2526 तकरीबन एजेंसियाँ हैं, और दुनिया की मानी हुई एजेंसी हैं, जो कुछ करना चाहें वो कर सकती हैं। उनको एक दीवार के पीछे का पता होता है, करप्ट लोगों का उनको क्यों नहीं पता, क्यों नहीं मालूम? जो मुल्क में कानून तोड़ने वाले लोग हैं उनका उनको क्यों नहीं मालूम? जो मुल्क में इंसाफ नहीं दे रहे उनका उनको मालूम नहीं है? यहाँ कहाँ कहाँ खराबियाँ हैं हमारे मुल्क में? खुदा के लिए इस मुल्क के लिए कुछ कर लो। आपका नाम ताहयात क़यामत तक लोग याद रखेंगे। अब तो हमारा मजदूर, वो उनके पास खाने को भी कुछ नहीं, हमारे मजदूर, हमारा नौजवान, वो भी अपनी डिग्रियां हाथ में है। वो बाहर के मुल्कों में भी ऐसा हो रहा है, क्यों? लोगों की तादाद बहुत है, बाहर की कंट्रियों में काम करने में काम कम है, लोग ज़्यादा है। तो खुदा के लिए तुम्हारा हक बनता है अपने मजदूरों को के लिए वो हर चीज़ का बंदोबस्त करने का, नौजवानों के लिए नौजवानों को सहूलियात देने का आपका हक है, आपके ऊपर फ़र्ज है। किसान को जो सहूलियात देनी है वो भी आपके ऊपर फ़र्ज है। जो पाकिस्तान में जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा वो भी आपके ऊपर फ़र्ज है। तो आज का मेरा यही प्रोग्राम है, मैं तमाम उन सियासी पार्टियों से ये अपील करता हूँ, जो उनमें अच्छे लोग हैं आगे बढ़े, इदारों में जो अच्छे लोग हैं वो आगे बढ़े। ये करप्ट सिस्टम को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे हमारा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। करप्शन करने वाले जो आदमी, मैं पहले भी कहता हूँ, फांसी के अलावा कोई और काम इनके साथ ना किया जाए, उसमें चाहे हमारी आवाम में ब्लैक करने वाले चीज़ें जो हैं, ताजर हजरात हैं, देखिए ये भी करप्शन में जुमरे में आता है। ये भी बहुत बड़े करप्ट लोग हैं जो मुल्क में हर चीज़ जैम कर देते हैं, हर चीज़ को ब्लैक करने में इनका अहम रोल होता है। ये सब एक करप्शन के जुमरे में आते हैं। जो हमारे मुल्क का गलत काम करने वाला आदमी, सिर्फ उनका ऊपर केस ना किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि इबरत होनी चाहिए। तुम जो पीछे और आदमी का जो जहन हो करप्शन करने का, उनको भी खौफ होना चाहिए। मैं तमाम उन इदारों में बैठे हुए अच्छे लोगों को से ये अपील करता हूँ, खुदारा ये पाकिस्तान आपको कह रहा है, पाकिस्तान चीख रहा है, कौन है मुझे बचाने वाला? अब वो वक्त आ चुका है। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानियाँ होंगी, 1947-48 ऐसी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ होंगी, जो करप्ट निज़ाम को जो ख़त्म करने वाला आदमी होगा उसका नाम एक तारीख में लिखा जाएगा। तो मेरा इस हवाले से आज का यही प्रोग्राम था। दुबई हुकूमत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान हमारी इज्जत है, पाकिस्तान में
हम कुछ पाकिस्तान माँ का बहुत बड़ा मकाम है अगर हम लोग समझ जाएँ तो जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं, एक हो जाओ, मज़दूर एक हो जाओ, किसान एक हो जाओ, पाकिस्तान के इदारों में जो बैठे हुए अच्छे लोग हैं वो भी एक हो जाए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह हाफिज़।